रोडवेज की स्थिति से जुड़ा सवाल था, आपने बड़ी बात कही कि जहाँ पिछली सरकार ने रूट बंद कर दिए उन रूटों का सर्वे चल रहा है, जो उसको किया। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है, आम आदमी ये महसूस करता है ये मेरी बस है, और जिन गांवों में बसें नहीं चलती है उस गांव के लोगों से जाकर उनका दर्द पूछो जहां रोडवेज की बस बंद हो गई। हमारे टाइम पे ग्रामीण परिवहन बस सेवा चलती थी जो गांव से शहर को जोड़ती थी, जो आदमी बीमार है, जो बच्चा पढ़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, जिसका इंटरव्यू है उससे आप पूछो, क्योंकि आज भी आप सड़क पर जाकर देख लो जयपुर में गाँव में लोग सैकड़ों आपको सड़कों पर खड़े हुए नजर आएंगे। 5 वर्षों में पिछली सरकार ने आपको बताया जयपुर में एक बस नहीं लगाई, JCTSL जो बसें हमने शुरू की थी 508 बसें, उसके बाद आधी रह गई बसें, 5 वर्ष तक ये एक बस नहीं चला पाए। आज कालीचरण जी शराब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सदन में, मैंने कहा आपने तो 5 वर्ष में एक बस नहीं चलाई, ये बसें हमने ही चलाई थी, अब ये कंडम हो गई, 5 वर्ष आपने बीच में बर्बाद कर दिए। आप जयपुर के मंत्री थे कालीचरण शराब, राजपाल सिंह, अरुण चतुर्वेदी, ये वसुंधरा जी के सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी, ये चुपचाप बैठे रहते थे। आप बोलते तो आज जयपुर की हालात ये नहीं होती। अब हम वो इलेक्ट्रिक बसें भी लाने जा रहे हैं, रोडवेज में भी नई बसें लाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है, रोडवेज का सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया। हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि राजस्थान में जिन रूटों पर बसें नहीं चल रही है, ना रोडवेज चल रही है ना प्राइवेट चल रही है, आप ये बताओ उनके हालात कितने खराब होंगे, वो आदमी कैसे गाँव से जुड़ेगा, कैसे शहर से जुड़ेगा, वो कैसे आवागमन का साधन होगा। कई गाँव तो इतने बुरे हालात है कि वहाँ पर जीप तक नहीं है, तो उन गाँवों को जहाँ पर कोई आवागमन का साधन नहीं उनको जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि सब राजस्थान के रूटों का सर्वे किया जाए, परिवहन विभाग के लोगों को मैंने कहा है कि उन गांवों को ढूंढिए जहां पर कोई साधन जाता नहीं है, उनको हम साधन से देंगे, प्राइवेट परमिट भी देंगे, रोडवेज की बसें भी लेकर जाएंगे, लेकिन साधन से जोड़ेंगे। और ये सब काम हमने शुरू किया, 5 वर्ष तक राजस्थान के आवागमन के साधन में परिवहन के साधन में भाजपा ने बर्बाद कर दिए, रोडवेज का सिस्टम कॉलेप्स कर दिया, घाटे में आकर रोडवेज खड़ी हो गई। रोडवेज के रूटों पर आप लोग परिवहन बस सेवा लेकर आए लेकिन आपने रोडवेज को खत्म कर दिया। आप लोग परिवहन सेवा यदि लेकर भी आए थे तो आप रोडवेज को मारने की आवश्यकता नहीं थी, उन रूटों पर लाते जहां पर बसें नहीं है, जहां रोडवेज चल रही है वहां लोग परिवहन सेवा को लाने का कोई पब्लिक को फायदा नहीं हुआ। मैंने आते ही लोग परिवहन सेवा के परमिट बंद किए। मैं इतना कह सकता हूं आने वाले समय में आपको ग्रामीण परिवहन बस सेवा की तरह सारी सर्विस, लोग गांव से जुड़े हुए, रोडवेज की नई बसें, शहरों में इलेक्ट्रिक बसें आपको नजर आएगी, जयपुर में भी पूरे लोगों को साधन काम नजर आएगा, बातें नहीं होगी काम होगा। हमारे 3 महीने आचार संहिता खराब हो गए, 5 महीने हमारी सरकार को हुए, काम आपको पूरा नजर आएगा, बातें नहीं होगी। ये तो लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं विधानसभा में, इनके टाइम पर जो काम नहीं हुआ अपने ही सवाल के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ ये सवाल खड़े कर रहे हैं। वसुंधरा जी तो आती नहीं है सदन में, आप मंत्री रहे हो तो आप ये भी तो बताओ कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप हमसे सवाल कर रहे हो। ये सवाल करने वाले लोग, मैं कहता हूँ राजनीति में मर्यादा और आत्मचिंतन भी होना चाहिए। जो लोग बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ये भी माफी मांगनी चाहिए सदन से कि हमने 5 वर्ष बर्बाद कर दिए राजस्थान के। आज वो हमसे जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल का जवाब उनको देना है। 5 वर्ष तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हमसे सवाल कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम ये करने जा रहे हैं, ये होगा, आप चिंता मत करो, बजट आ रहा है आप देखना। रोडवेज को घाटे से उभारने के लिए एक बात आप मानकर चलिए, पहली बात एक बात सुन ली, लोकतंत्र टिका हुआ है जन कल्याण पर, जनता के द्वारा जनता के लिए जो योजनाएं जो कानून लागू किया जाता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। जन कल्याण में पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत योजनाएं ऐसी होती है जो घाटे में भी चलाई जाती है, लोकतंत्र में ये व्यापार नहीं है, बहुत काम फाइनेंस से होता है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जन कल्याण के लिए घाटे में भी सरकार चलाती है। रोडवेज आवागमन का साधन है, रोडवेज को सिर्फ नफे नुकसान से नहीं देखा जा सकता, रोडवेज लाइफलाइन के रूप में काम करता है। रोडवेज को ये तोलने घाटा है घाटा है, तो घाटा तो इन लोगों ने कर दिया, हम कोशिश ये कर रहे हैं घाटा भी नहीं हो रोडवेज भी चले, लेकिन घाटे में भी रोडवेज को चलाना पड़ेगा, रोडवेज को बंद नहीं किया जा सकता घाटे में भी। रोडवेज लाइफलाइन से जुड़ी हुई सवारी, आप जाकर गांव में देखो लोग इंतजार ही करते रहते हैं, बीमार आदमी खड़ा है, माँ बहन बेटी खड़ी है, इंटरव्यू वाला खड़ा है, वो खून के आंसू रोता है जब रोडवेज नहीं पहुंचती है, उसको बस चाहिए। ये नहीं हो सकता कि घाटे के आधार पर पब्लिक इंटरेस्ट की योजनाओं को बंद कर दिया जाए, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। रोडवेज चलेगी, रोडवेज को स्ट्रेंथ किया जाएगा, रोडवेज के नए बस स्टैंड, रोडवेज की नई बसें, रोडवेज का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो रोडवेज की गारंटी खत्म कर दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट आज गारंटी दे दो तो हम तो कल रोडवेज के लिए लोन ले लेंगे,
अब हम हमारी सरकार है, हम ये काम सब करने जा रहे हैं और ये मानकर चलिए रोडवेज पब्लिक से जुड़ी हुई सर्विस है, उस सर्विस में घाटे से हम डरने वाले नहीं है, घाटे से पूरे उभरने की कोशिश करेंगे लेकिन जनता को पूरी सुविधा देंगे।